दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा मंच द्वारा पटेल चौक दुर्ग में भगवान राम की भव्य महा आरती कर शस्त्र पूजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ता और भक्त जय श्री राम के नारे लगाते रहे। कार्यक्रम में हिंदू युवा मंच के संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू शस्त्र पूजन पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शक्ति की आराधना कर दुष्ट रावण का संहार किया था। दशहरा के शुभ अवसर पर हिंदू युवा मंच ने पटेल चौक दुर्ग में भगवान राम की भव्य महाआरती की। इस मौके पर शस्त्र पूजन भी यहां पर किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं और भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कार्यक्रम में हिंदू युवा मंच के संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू शस्त्र पूजन पर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शस्त्र पूजन की परंपरा सनातन हिंदू समाज में आदिकाल से चली आ रही है। स्वयं प्रभु रामचंद्र ने भी शक्ति आराधना कर दुष्ट रावण का संहार किया था। इस मौके पर पार्षद अरुण सिंह ने बताया कि शस्त्र पूजन नितांत आवश्यक है। जिस प्रकार दीपावली पर दीपों की रोशनी कर अंधकार को दूर किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजन कर हिंदू समाज को संगठित होकर विजयादशमी का पर्व मनाना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष कुमार नायर, संगठन महामंत्री राजेश शर्मा, दुर्ग जिला प्रभारी राजा दिवांगन कमल रणदीवे, शहर अध्यक्ष जय दिवांगन, अरुण अग्रवाल, दिनेश मिश्रा, भगवंत सिंह, वीरेन्द्र सिंह, शिबू सोनी, विक्रम कांड्रा, हितेंद्र राजपूत, अजय कुमार, सावन श्रीवास्तव, गजेंद्र साहू, पंकज भारती, शिवांश वैष्णव, राजगुप्ता, नीरज दिवांगन, इसके साथ ही बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ACN News के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।